ब्राह्मण हमारी शक्ति क्या है हम संसार में बता सकते हैं। इस गुरु पूर्णिमा में मैंने सभी को कहा था और जहां भी जा रहा हूँ इस बात जरूर कह रहा हूँ, हम अपने लिए तो जिए, अपने लिए तो रोज जी रहे। हम जितने भी पुरोहित हैं, जितने भी मंदिर में काम करते हैं, मंदिर पूजा, उनको मैंने कल भी बोला 6 दिन आप आपकी इच्छाएं बोल लो। सब लोग बोले अरे हमसे मारुति खूब पावरफुल है, हमसे रेणुका देवी खूब पावर। अरे पावरफुल असले तर तुझ्यासाठी इसकी, देशासाठी, राजासाठी, ग्रामासाठी काही नाही, तू 6 दिवस तुझ्यासाठी प्रार्थना कर, पण 1 दिवस त्याच रेणुकेला, त्याच महादेवाला, त्याच ह्याला एकदा प्रार्थना कर की मला सामर्थ्यवान बनव, माझ्या ग्रामाला, माझ्या देशाला छान बनव। 1 दिवस शनिवार 1 दिवस कर। मी असं पूर्ण भारतामध्ये सांगत आहे आता की एका मंदिरात तुझे देव किती पावरफुल आहे तुला कळून जात। जेव्हा तुला देवाची सहायता होईल तेव्हा तू श्रेष्ठ होशील, आणि ते श्रेष्ठ त्या करण्यासाठी तुला देवाला 1 दिवस फक्त देवाला दे, 6 दिवस तू प्रार्थना करून की तुझे माझे बायको वगैरे वगैरे काय करायचं करून घे, पण 1 दिवस तर त्या मंदिराला, त्या मारुतीला, त्या श्रेष्ठतेला एकदा प्रार्थना कर की माझा देश छान व्हावं, माझे राष्ट्र छान व्हावं, माझी ब्राह्मणांची, माझ्या हिंदू समाजाची रक्षा व्हावी असे एकदा सांगून घे। मी नर्मदापासून सगळीकडे आज मैंने एक पुकार निकाली है आश्रम के तरफ से, या मेरे निखिल चेतना केंद्र से, एक ही पुकार निकाली, 6 दिन आपके किसी भी मंदिर में जाओ, 1 दिन उस मंदिर में उस देवता को प्रार्थना करो कि मेरा हिंदू समाज और मेरा ये सब कुछ श्रेष्ठता के साथ जिए, हमारे ऊपर कोई प्रहार न हो, एक बार करके देखो। अगर ये 1 साल तक भी चला तो तुम्हारा हिंदू समाज हो, तुम हो, कितनी श्रेष्ठता के साथ जियोगे। मैं कहता हूँ हमारे में ही आकर्षण नहीं है, हमारे प्रवीण महाराज बोल रहे थे हमारे ग्रुप है, यहाँ क्यों ग्रुप है, क्यों ग्रुप होने के, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम पहले करोड़पति बनो, लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम्हारे करोड़पति बनने का विधान किसी कौन सिखाना, योग्य गुरु। आज हम मेरा बेटा भी है, मेरे को बेटी है, मेरा बेटा भी एमटेक है, बहू एमटेक है, बच्ची एलएलएम है, मैं किसी को भी नौकरी नहीं करने, इसलिए नहीं करने दिया कि हम कितने दिन इसी तरह जिएंगे। हमारे में साधनात्मक अगर प्रक्रिया है तो हम पूरे संसार को, पूरे देश को बताएंगे कि हम क्या चीज है। और जब तक आजकल क्या है, राजाश्रय है, हमारे कोई बता, मुझे कोई बता रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन ये बात अलग है। हमारी इस ब्राह्मण समाज के मन बांधने के लिए किसी के पास गए थे लोग और उन्होंने 10 लाख सैंक्शन किया। मैं सुना हूँ, मुझे करेक्ट नहीं मालूम। और उन्होंने देने के बाद फिर क्या हुआ, ग्रुपिज्म हुआ, क्या हुआ पता नहीं, वो नहीं रहा। मैं बोला कि उनसे, उनके पास जाने की क्या क्रिया हुई, एक बार तुम सामर्थ्यवान बनो, वो तुम्हें आने की आगे देना। इसके पास अगर मैं जाके खड़ा रहूं तो मेरी इच्छा पूर्ण होती है, 10 लाख 20 लाख देता हो, लेकिन तुम मांगने की शक्ति मत, मांगो मत, तुम पहले तुम्हारी शक्ति बढ़ाओ।